पुनाना से जावेद खान एडवोकेट से खास बातचीत, जननायक जनता पार्टी से निष्कासित किए गए। जावेद खान एडवोकेट ने कहा है कि उन्होंने जननायक जनता पार्टी के नेताओं को कई महीने पहले पार्टी छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जननायक जनता पार्टी में नेताओं व कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है, वहां पास सुनने वाला कोई नहीं है। मेवात लगातार पिछड़ता जा रहा है, यहां तक मेवात की बात हो तो कांग्रेस से ज़्यादा सेकुलर कोई नहीं है। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान इत्यादि के नेतृत्व में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। कांग्रेस के बड़े नेता जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। उन्होंने कहा है कि जहां तक चालकों को लेकर जो नए कानून बनाए गए हैं वे गलत है, इसमें चालकों के हित सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, सरकार पूरी तरह से हरियाणा के हितों को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। हरियाणा के हित कांग्रेस पार्टी ही सुरक्षित है। जावेद खान एडवोकेट ने खास बातचीत के दौरान और भी बहुत सारे राजनीतिक खुलासे किए, आप खुद ही सुन लीजिएगा। उन्होंने खास बातचीत के दौरान कांग्रेस में जननायक जनता पार्टी में क्या अंतर बताया, आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जहां तक जननायक जनता पार्टी की बात है, वो तो आज से कई महीने पहले ही मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने मेवात के बहुत सारे मामलों को लेकर, जो बड़े मामले हैं जैसे अलवर गुड़गांव रोड का चौड़ाकरण है, यूनिवर्सिटी की बात है, और बहुत सारी झूठी उम्मीदें पार्टी के नेताओं ने मुझे बंधाई थी। मैं मेवात के भले को लेकर उनके साथ शामिल हुआ था, लेकिन जब वहां मैं गया तो पता चला कि उनके दिल में मेवात के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है, केवल बातों से काम चलाते हैं, और यहाँ तक कि मेवात के लोगों को तो मिलने का समय भी नहीं दिया जाता। मेवात के मुद्दों को लेकर मैंने कई बार उसे निवेदन किया था कि आप मेवात आए, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में एक बार भी मेवात नहीं आए, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के जो नेता हैं उनका मेवात की तरफ ध्यान नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने उनसे आज से 6 महीने पहले ही कह दिया था कि अगर आप मेवात के हित की बात करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर मेवात के हित की आप बात नहीं करेंगे तो हम किसी दूसरी पार्टी को, जो सेक्युलर पार्टी है, उसको ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। और आज कांग्रेस पार्टी के जो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुखिया हैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहाँ नुहू में तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ आज मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, और जो वह आगे जिस तरह के भी निर्देश देंगे, पार्टी का एक कार्यकर्ता बनके उनके आदेशों का और निर्देशों का पालन करूंगा।